हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो आज हमारा न्यूमेरिकल वीडियो है जर्नल एंट्री का, और वो भी पहला क्वेश्चन है हमारा न्यूमेरिकल पार्ट का। तो देखिए, टू वे से हम आज स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट में आपका वही इंट्रोडक्शन में जो बताया हुआ था मैंने, वही चीज़ें हैं, बस आप उससे क्लियर कर सकते हैं अपना और समझ कर सकते हैं। हम यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन हमें इंट्रोडक्शन में ही कवर कर लिया था, अब हम उसको कवर करते हैं सेकेंड क्वेश्चन से। देखिए हमारे यहाँ कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं, और ये देख लीजिए, ये होता है हमारा पूरा एक फॉर्मेट जर्नल एंट्री का। और यहाँ ऊपर हम लिख दिया करेंगे जर्नल ऑफ गोपी, क्वेश्चन में गोपी से है नाम से, तो गोपी आप लिखेंगे, आपके दूसरा नाम है तो दूसरे से लिखेंगे। पहला ट्रांजेक्शन है कमेंस बिजनेस विद कैश 40,000। जब पहला ट्रांजेक्शन करते हैं बिजनेस में, हमेशा पहला यही आता है ज़्यादातर, तो हम क्या ऐसे स्टार्ट करेंगे Jan 1 डेट कॉलम में लिखेंगे कमेंस बिजनेस स्टार्टेड है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, हमारी एंट्री यही होती है। और यहाँ डायरेक्शन लिख देंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, अमाउंट है 40,000 40,000, ठीक है। नेक्स्ट है Jan 4 को बॉट गुड्स फ्रॉम राम। देखिए यहाँ पे कैश का नाम नहीं लिया गया है, यहाँ पे राम का नाम लिया गया है, मतलब क्या क्रेडिट परचेज। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या हमारे पास क्या है, परचेज कर रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, हमने कैश नहीं दिया है तो इसलिए राम लिख रहे हैं, कैश दिए होते तो कैश लिखते 25,000 25,000। देखिए डेबिट के सामने डेबिट वाला अमाउंट, क्रेडिट में क्रेडिट वाला अमाउंट नीचे लिखेंगे, ऊपर ऊपर दोनों बराबर पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिख देंगे बीइंग गुड परचेज ऑन क्रेडिट। अब है Jan 6 को सोल्ड गुड फॉर कैश 16,000, हमने कैश लेके गुड्स बेचा 16,000 का, क्या लिखेंगे हमारे पास आ रहा है, जो लिख देंगे ऊपर डेबिट में कैश अकाउंट डेबिट, और जो हमारे पास से गया सेल किया हमने, सेल हमेशा क्रेडिट होता है और परचेज हमेशा डेबिट होता है, इसको हमेशा याद रखिएगा। अमाउंट है 16,000 16,000, ओके। देन अब है बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश, हमने मोहन से गुड्स लिया, मगर मोहन का नाम ये जरूरी नहीं कि ये क्रेडिट पे है, हमने मोहन से गुड्स लिया पर हम कैश दे के ले रहे हैं, तो कैश परचेज हुआ Jan 10 को। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन में 8,000 8,000 यहां पे भी ठीक है, अमाउंट लिख जाए नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट है Jan 15 बॉट फर्नीचर 10,000। एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब हम कोई चीज खरीदते हैं गुड्स लेते हैं तो परचेज लिखते हैं, पर जब कोई फिक्स्ड एसेट्स लेते हैं, मशीनरी हो गया फर्नीचर हो गया कुछ भी एसेट लेते हैं, तो अपना उस एसेट के नाम से एंट्री करते हैं, ना कि हम परचेज लगाते हैं, परचेज सिर्फ हम गुड्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन में लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज अमाउंट कितना 10,000 10,000, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं Jan 17 को क्या एंट्री हुई थी हमारी, पेड कैश फॉर टू राम। अब हम राम को पे करेंगे, हमने क्रेडिट पे लिया था उनसे, अब हम पे करेंगे राम को, राम डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन में बीइंग कैश पेड टू राम अमाउंट 18,000। तो यहाँ तक हमारे ये एंट्री हो गया है, जितना ट्रांजेक्शन में करना था कर लिए। अब हम आगे का भी इसी क्वेश्चन का और भी ट्रांजेक्शन देख लेते हैं।
तो ये पूरा आपका ट्रांजेक्शन आपको समझ आ गया होगा किस तरह से हमें करना है। और भी आगे हम ट्रांजेक्शन देखते हैं, और उसके पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट वन पार्ट टू जनरल एंट्री का नहीं दिखा है तो जरूर जाके देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाके मिल जाएगा। तो बचे हुए ट्रांजेक्शन देख लेते हैं हमारे कौन कौन से हैं। सोल्ड गुड्स टू हरी जनवरी 20 को, और वो भी 15,000 में, ठीक है। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे, पहले डेट लिख लेते हैं क्या है, जैन 20, डेट लिखना ना भूले बिल्कुल भी। फिर सोल्ड गुड्स टू हरी 15,000, हमने सोल्ड किया हरी को, कैसे क्रेडिट सेल है तो हरी का नाम लिखेंगे, हरी डेबिट, नाम के साथ अकाउंट नहीं लगता याद रखिएगा, टू सेल्स अकाउंट नरेशन में लिख देंगे, बीइंग गुड सोल्ड टू हरी अमाउंट लिख देंगे 15,000। ओके, देन जैन 24 कैश रिसीव फ्रॉम हरी 13,000। अब हमने 15,000 उसको बेचा था, अब हम उसे कैश रिसीव करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी, क्योंकि दे कौन रहा है, हरी, उसके पास एक क्रेडिट हो रहा है, जा रहा है, अमाउंट है 13,000। नरेशन में बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम हरी, ये जो जर्नल एंट्री जो हमारा बनता है ना वो हमारे बिजनेस के हिसाब से बनता है, ये चीज याद रख के चलिएगा। नेक्स्ट है जैन 28, आप एक बिजनेसमैन की तरह सोचेंगे अगर ना तो ये जनरल एंट्री बहुत इजी लगेगा आपको करने में। पेड सैलरी टू मोहन, अब हम मोहन को सैलरी पे कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लगता है, क्या लिखेंगे, मोहन का नाम लिखेंगे, सैलरी लिखेंगे कि कैश लिखेंगे। तो ध्यान से समझिए कि जब हम कैश किसी को सैलरी पे करते हैं तो कैश फॉर्म में देते हैं, तो यहाँ पे नाम से किसी का मतलब ही नहीं होता है कि हम किसी को, अब किसी को उधार पे चेक मतलब आपको सैलरी देना हो कैसे देंगे, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी। सैलरी एक हमारा एक्सपेंस है जिसे डेबिट करा देते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या गया, कैश अकाउंट, यहाँ लिख देंगे 2,000, यहाँ भी लिख देंगे 2,000, वेरी इजी। अब देखिए जनवरी 29 को क्या होता है, इसका नरेशन लिखिएगा बीइंग सैलरी पेड, जैन 29 को है रिसीव कमीशन 500, अब हम कमीशन को रिसीव कर रहे हैं, हमारे पास क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, तो कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट करा देंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कमीशन जो है वो हमारा गेन है तो उसको हम क्रेडिट करा देंगे एज पर रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट, अमाउंट लिख देंगे 500। जैन 30 विड्रॉ कैश फॉर 30 पर्सनल यूज 4,000, जैन 30 को हमने बिजनेस से कुछ पैसे विड्रॉ कर लिए 4,000, अब हम ना एंट्री क्या करेंगे, बिजनेस से निकाल रहे हैं क्या कैश, तो पहले ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, बिजनेस से क्या गया, कैश गया, ओके, नेशन लिख देंगे बीइंग कैश विड्रॉ 4,000। हम यहाँ पे गैप छोड़ रहे हैं, आप पूरा यहाँ पूरा नरेशन लिख लिख के ही करेंगे, ठीक है। लास्ट वाला है जैन 31 को पेड रेंट लैंडलॉर्ड अमित 3,000, अब हमने लैंडलॉर्ड को जो अमित है उनको पे किया रेंट, तो आपको क्या लगता है यहाँ क्या लिखेंगे, रेंट लिखेंगे, लैंडलॉर्ड लिखेंगे, लैंडलॉर्ड को डेबिट करेंगे कि आपके राम को करेंगे, कैश को करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नेम से कोई मतलब नहीं है, हमने रेंट पे कर रहे हैं, ना ही हम लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट लिखेंगे, ना ही हम राम अकाउंट डेबिट लिखेंगे, अमित नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हम रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमें पे करना था ना, एक्सपेंस है हमारा रेंट, तो हम उसको डेबिट कराते हैं, तो रेंट जो है हमारा डेबिट होगा रेंट अकाउंट डेबिट टू, हमारे पास से क्या गया, कैश, कैश अकाउंट, अमाउंट लिख देंगे 3,000, 3,000, दोनों कॉलम में
बराबर एकदम इक्वल अमाउंट से आप एंट्री करेंगे, क्योंकि आपका अगर नहीं करेंगे तो आपका ये अमाउंट पूरा गलत हो जाएगा, और जितने हमारे अमाउंट से उसको आप ऐड कर देंगे हमारा ये आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पूरे ट्रांजैक्शन इस वीडियो में क्वेश्चन 2 के कवर हो चुके हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ।